gets greeted by that short ball. Well, this doesn't look good. It doesn't look good. Najeeb Ullah Zadran had no idea about that. जी नादरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से एक पहले एक बॉलर था जो काफ़ी बैट्समैनों को और इंडिया के बैट्समैनों को काफ़ी ही डराता और बल्कि उनको ज़ख्मी कर देता था। अभी भी एक ऐसा बॉलर हमारी पाकिस्तानी टीम में मौजूद है, एहसानुल्लाह, जो काफ़ी ही बॉलरों को, बैट्समैनों को ज़ख्मी कर रहा है। और जो रात उसने एक बाउंसर मारा नजीब उल्लाह जरदान को, वो उसे नजीब उल्लाह जरदान को ज़ख्मी कर गया और बल्कि वो रिटायर हो गए, हार्ट रिटायर हो गए। जी नादरीन, रात जो एहसानुल्लाह ने बॉलिंग कराई बहुत ही तकरीबन 150 के पीएच की तेज़ी से एहसानुल्लाह ने जो बॉलिंग कराई और ऐसा जरदान को ज़ख्मी कर दिया। हेलमेट पे लगी और हेलमेट के बाद उसे गर्दन पे जा लगी और गर्दन पे काफ़ी गहरा ज़ख्म हो गया। और उसके बाद दूसरे ही जन्नत को भी बोल्ड कर दिया दूसरे ओवर में और काफ़ी 4 विकटें हासिल की एहसानुल्लाह ने और काफ़ी अच्छी और तेज़ बॉलिंग कराई। शुएब अख्तर ने कहा ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा और बहुत ही पाकिस्तान को एक अच्छा बॉलर मिला है। जो पहले शुएब अख्तर होता था वो भी काफ़ी बैट्समैनों को ज़ख्मी करता था, लेकिन अभी जो एक बॉलर मिला है एहसानुल्लाह की शक्ल में, वो बहुत ही तेज़ तरीन बॉलर है और काफ़ी बाउंस